ना कोई गाना ना किश, इ'यां गै later kake ho bhai uth bahar barf hogi yaar uth jaldi kar aja uth jaldi kar ha bahar dekh pehle kya hua bahar to aao chal chal tu bola tha chale ha बाहर का व्यू तो देखो बाकी। इतना रोमांचक वाले बंदे भी हैं ये। तो हे गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए, बढ़िया रहना। तो भैया इन्होंने आपको पता ही है कैस किस तरह से उठाया तो बर्फ दिखाने के लिए। तो आप सभी को क्या बोलूं, अपने यहाँ पे जराते हैं उस एरिया में स्नोफॉल पड़ने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ तो अभी फिलहाल सोए हुए थे, अभी भैया ने उठा दिया। सो अभी इसको ये क्लिप को इधर ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में यार। सो ये देखो भैया कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है, इनको अपने दिल और नाम लिखने की पड़ी है। सो फिलहाल हल्की हल्की ठंड भी हो रखी है, तो अभी हम जाएंगे चाय बना के, फिर मिलते हैं यार आपसे थोड़ी देर बाद में। स्नोफॉल भी चाय भी नहीं बनानी पोगी या बनाई देख गयो बनाई देख या बनानी पोगी आई यार ठीक है। तो ये शुरू हो गया, मुंह धोता ना ना मुंह भी नहीं धोता, हूं तो उठा छड़ा सीधा बाहर आई गया बर्फाई, मुंह भी नहीं धोता। ये देखो ये देखो सवेरा सवेरा लगी है भाई यार रस बिच हो गया शुरू, साढ़े साफ चाली है। ओहो पंकू वीर हमारे तो वो रहे अपने पहले अपने साहब को चाय दो। तो ये रही चाय अपनी और ये रही बर्फ। सुबह सुबह बार बार फूफा की बना था मेरे वास्ते परोंठे आलू वाले परोंठे आलू वाले सच्चे मी तो इ'यां गै लग्गा दी पूड़ियां गै परोंठे बना रहे हो फिर ठीक है। ये देही है मैं नहीं कदे दिखिया हा नगमे बना दा कोड़ जट पन्निया सारिया चलो। सो भैया हमने ना आज गुलमार्ग का प्लान बनाया हुआ था रात को, क्योंकि सुबह इधर बर्फ नहीं पड़ती है, ये डाउन एरिया ना सबसे, तो इसलिए हम गुलमार्ग जाएंगे। बट जब सुबह उठा और अंकित भैया ना आपको पता ही है कि कैसे उठाया मेरे को, तो जब देखा कि इधर ही बन गया हुआ अपना गुलमार्ग ही है, देखो वो रही अपने सामने कोठी। अब तो फिलहाल सभी एक जैसी रखे हैं, ये छोटी सी उसके ऊपर जो है, और ये रहा अपना व्यू देख सकते हो भैया। सो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गोडाउन की हालत देखने की क्या सीन है क्या नहीं, तो अपनी कंपनी में चलता है और दो ट्रक आए हुए हैं बाहर। तो ये देखो आगे रहे अंकित भाई और उनके साथ एक और भाई यहीं पर काम करते हैं भाई। ये देखो तो भैया एक बार इधर से मारो क्या हम बीमार हो सकते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। सुबह ये रहे गोडाउन के बाहर हम, तो ऐसे ऐसे सुंदर लोग रहते हैं, केटरी ही खोल रहे यार बाहर। तो ये देखो अपने ऑटो अंदर, ये कंपनी का कुछ इस तरह सा हाल बना हुआ है। ये अपने कबाड़ा के बोलते हैं हमारे डेढ़ डेढ़ फीट बर्फ पड़ती है, तो अपने भाई साहब आगे हमें यहाँ पे खड़ा किया हुआ इन्होंने गेट के बाहर, गेट से बाहर खड़ा किया हुआ आज। ये गाड़ी खाली करनी है भैया हमने, ये वाली करोगे भैया? बर्फ पड़ रही है पैसे ले लेना। पैसे हम नहीं लेते, लेते ही नहीं हो, ले लेना यार। खोल दो फिर गेट तो खोल दो यार, हम आपके बड़े साहब, साहब आप ही हो साहब।
अच्छा आप छोटे साहब हो? अच्छा छोटे साहब आप हो तो ओके, बड़े साहब ऊपर। तो भैया ये देखो गाड़ी, सो ये रहा अपना गोडाउन भैया। तो आंखें अच्छे से खुली नहीं थी, बाहर आया सोचा देखता हूँ कि अब कितनी बर्फ होगी, क्या हाल होगा, बट मैं देखे तो शॉक हो गया। तो आप भी देखो भाई क्या सीन हुआ है, ये देखो बस गाड़ी के मिरर पे बर्फ रह गया, बाकी सब तो खत्म हो गई भैया। ये देख सकते हो हमारे साथ तो क्या हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। रात को सोए थे तब उठे देखा बर्फ, अब सोए तो देखा वापस गायब। हमारे साथ तो तगड़े वाला मोए मोए हो गया यार सचिदान। क्या ही बोले, तो अभी जो अपने भाई लोग सोए हुए वो भी जब देखेंगे ना लिटरली शॉक हो जाएंगे कि ये हुआ क्या। तो जैसे बर्फ तो इन्होंने सारी मेल्ट कर दी भैया, तो अभी ये बचा जो हमें खुश करने के लिए। क्या क्या लाया भैया ये हमें खुश करने के लिए इन्होंने ना, फिर शॉप पे गए हमारे लिए ये सामान लाया। तो ये बीची लोग फोन में लगे हुए हैं। सो फिलहाल करते हैं यहीं पे ब्लॉग एंड, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।